गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कर लिया था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कंप्लीट कर लिया था, और उसके बाद हमने इसके एक दो न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए थे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल हम और डिस्कस करेंगे। आज हम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, ये सब सेल के लिए हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि सेल क्या चीज होती है, व्हाट इज सेल। सब आप सुनते हो, देखते हो, सेल यूज भी करते हो। सेल एक डिवाइस होती है, सेल एक डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेल इज अ डिवाइस, सेल क्या की एक डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम बोलते हैं ना, सेल से हम करंट फ्लो करवाते हैं, या हम चार्ज वोल्टेज की बात करते हैं, 5 वोल्ट का सेल है, 10 वोल्ट का सेल है। तो एक्चुअल में सेल में होता क्या है, सेल के अंदर जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट या जो भी हम इलेक्ट्रोड्स वगैरह की बात करते हैं, उनके बीच केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के बाद चार्जेस जो है चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम सेल बोलेंगे। ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसका एक बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में वो चार्ज जो है वो स्टोर होता है। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि सेल एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरल देखो, आपने कई टाइप के सेल देखे, जैसे आप रेडियो के अंदर या जो रिमोट के अंदर सेल काम में लेते हैं, हमारी जो घड़ी होती है उसमें हम सेल काम में लेते हैं, वो हमारे जो है वो सेल जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है या वैसा हार्ड होता है, कुछ उसमें हार्ड होता है। और लिक्विड वाले जो सेल की हम बात करेंगे, तो लिक्विड वाले जो सेल है जैसे हम लैब में बनाएंगे, लैक्लांस सेल, डेनियल सेल, उसके अंदर लिक्विड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में होगा, उसमें दो इलेक्ट्रोड हम देखेंगे। तो जैसे जनरल अपन सेल का स्ट्रक्चर देखें, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे मेरे पास एक कंटेनर टाइप का कुछ होगा, इस कंटेनर में सपोज इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, कंटेनर में मैंने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल्स वगैरह होंगे इसमें। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने पानी प्लस साल्ट मिक्स कर दिया, वो भी आपका एक इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, उससे हम सेल बना सकते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट में अपन दो इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, अपन इसमें दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक एनोड दूसरा कैथोड। एक की बात करें तो एक एनोड होगा, दूसरा कैथोड होगा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा। जैसे ही हम ये दो इलेक्ट्रोड इसमें डिप करते हैं, एक पे सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं जिसे हम P से डिनोट करेंगे, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं जिसे हम N से डिनोट करेंगे। P को हम बोलेंगे एनोड और N को हम बोलेंगे कैथोड, मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गए और सारे नेगेटिव चार्ज इस पे आ गए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, पी पे पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल वोल्टेज, जो वोल्टेज होगा जब पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव होगा, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब सेल आपका ओपन सर्किट है, अभी आपने इसको क्लोज नहीं किया, इसको मतलब आप किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो जब आपका सेल ओपन सर्किट है, अब सेल आपका बन चुका है, सेल में क्या क्या लिया हमने, कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इनके बीच केमिकल रिएक्शन होगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से हम दोनों इलेक्ट्रोड के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, इसे हम बोलते हैं ईएमएफ सेल। व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड पोटेंशियल, सॉरी ईएमएफ ऑफ सेल। आपसे पूछे जाए कि व्हाट इज ईएमएफ ऑफ सेल, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी में सेल के बाद हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ईएमएफ ऑफ सेल, सेल का ईएमएफ क्या होता है, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ऐसा सिंबल होता है इसका, इसको हम डिफाइन करेंगे when cell is open circuit, देखो इस सिचुएशन में ओपन सर्किट है, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो है
अलग, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अलग, इनको हमने किसी सर्किट से कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो हम इसको बोलेंगे ओपन सर्किट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपन सर्किट। ये बिल्कुल ओपन है, इनके बीच कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कोई भी सर्किट है वो हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ। तो व्हेन ट्रायल इज ओपन सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स potential difference between the electrodes is called EMF of cell, is called EMF of cell। ये cell का electromotive force, ये actual में force नहीं होता है, इसका नाम ही ऐसे डला हुआ है कि ये आपको नाम से पता चलता है कि कोई force है। ये force नहीं है, एक तरह का potential difference है। ये एक तरह का क्या है? सेल का potential difference, जिसको हम E से denote करते हैं। इसकी unit volt ही होती है। नाम से पता चल रहा है कि electromotive force आपका कोई force होगा, but ये force नहीं है, ये आपका potential difference है cell का। When cell is open circuit, cell जब open circuit में होता है तो cell के electrodes के बीच जो potential difference होता है उसे cell का EMF बोलते हैं, ठीक है, जिसकी unit volt ही होती है। तो यह टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होंगे, EMF ऑफ सेल। अब देखो बेटा, मैं सेल को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करता हूं, मतलब मैं एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर देता हूं, इस तरह से एक रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है उससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, R से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? R से। जैसे ही मैं सेल को कनेक्ट करूंगा R से, तो एक्चुअल में क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगी। सेल का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, जो P इलेक्ट्रोड या जो मैं बोलूं एनोड, उससे करंट निकलेगी कैपिटल I, और कैपिटल I करंट इस R से फ्लो होती हुई आपकी N तक वापस आएगी, मतलब इसने वापस करंट I, और आपकी जो करंट है वो नीचे इलेक्ट्रोलाइट में भी N to P फ्लो करेगी। नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर भी करंट फ्लो करेगी N to P। तो करंट का जो पाथ है वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से जब आपकी करंट है वो फ्लो करेगी, P से निकलेगी N पे वापस आके मिलेगी, और फिर नीचे इलेक्ट्रोलाइट में भी N to P फ्लो करेगी, ठीक है, ये करंट का पाथ रहेगा। अब मैंने बोला कि जब सेल क्लोज सर्किट, अभी क्लोज सर्किट हो गई, इसको हमने क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होने लगी। जब सर्किट को हम क्लोज कर देते हैं तो करंट फ्लो होने लग जाती है, और जब ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं करती है। तो आपने क्या किया बेटा, जब सेल को क्लोज सर्किट में लिया, मतलब एक एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट फ्लो ही कैपिटल है, P से निकले N पे वापस आके मिली और वापस अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट में भी फ्लो। इसका मतलब देखो, हमने अगला टॉपिक लिखा है टर्मिनल वोल्टेज। सेकंड टॉपिक आपका टर्मिनल वोल्टेज, इनकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, कांसेप्ट भी पता होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम V से डिनोट करेंगे, कैपिटल V। व्हेन सेल इज क्लोज सर्किट, उल्टा, व्हेन सेल इज क्लोज सर्किट, अब ये क्लोज सर्किट में, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। व्हेन सेल इज क्लोज सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। व्हेन सेल इज क्लोज सर्किट देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। देखो, जैसे आपने इसको क्लोज सर्किट में लिया, इससे करंट फ्लो होने लगी। तो जब मैं बोलूं कि R रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें से I करंट फ्लो होगी, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या मैं बोलूं टर्मिनल वोल्टेज होगा वो V होगा, इससे V बोला गया, इस V को टर्मिनल वोल्टेज बोला गया है। जैसे हमने इसको क्लोज सर्किट में कनेक्ट किया, ऐसे R से कनेक्ट किया, तो इससे करंट फ्लो हुई, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसी को हमने क्या बोल दिया, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। अब ध्यान से देखो, जैसे आप बोल रहे हो कि करंट यहां से निकली, R से गई, यहां पे टर्मिनल वोल्टेज भी कुछ ड्रॉप यहां पे हुआ, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे हुआ, उसके बाद करंट वापस N2 नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोड में N की तरफ नीचे की तरफ आई, इसमें ऊपर की तरफ गई, इसमें नीचे की तरफ आई। अब जो करंट है उसका पाथ ऐसे है कि N2P आएगी,
जब करंट N2P आएगी तो ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कुछ रेजिस्टेंस इसका होगा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वजह से यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप्स की या उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट का, उसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, उसे बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट जो है एक तरह से कंडक्टर ही हुआ, ये अपोज करेगा करंट का, तो अपोज करेगा इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस है कुछ करंट का, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट का कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो आप बोलोगे इसकी डेफिनेशन भी लिख लो सबके साथ, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको जनरली स्मॉल आर से डिनोट कर लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं जिसकी यूनिट ओम ही होगी। अब ध्यान से देखो बेटा, मैं एक रिलेशन फाइंड आउट करूंगा या मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल पता करना कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इस इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि करंट का पाथ बन गया P2N इस तरह से जा रही है, नीचे N2P फ्लो कर रही है, इसका मतलब ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट करंट का अपोज होगा, करंट का अपोज होगा इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। तो तीनों की डेफिनेशन क्लियर होगी, सेल की डेफिनेशन क्लियर होगी, ईएमएफ की डेफिनेशन क्लियर होगी, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सारे डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिए। आप ध्यान से देखो बेटा, मैं एक चीज कैलकुलेट करूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही हो मुझे फाइंड आउट करनी हो, या मैं टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूं, तो मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करूंगा, ठीक है ना, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इजी होती है। अब देखो आप चार्ज सेल की बात कर रहे हो, आपका सेल चार्ज है, चार्ज सेल चार्ज होता है तो उसमें से करंट फ्लो होती है, हमें पता है जब सेल आपका चार्ज होता है तो उससे करंट फ्लो होती है, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो करंट फ्लो नहीं होती, उसको हम चार्ज कर सकते हैं, उसको हम चार्ज करते हैं तो करंट या जो पोटेंशियल है वो बाहर से अप्लाई करते हैं। तो आपका सेल क्या है बेटा, चार्ज सेल है। जब चार्ज सेल है तो मैं आपसे पूछूं कि इस केस में जब सेल ओपन सर्किट था तो ईएमएफ की बात करिए, जब क्लोज सर्किट है तो टर्मिनल वोल्टेज की बात करिए, और मुझे पता है E की वैल्यू V से बड़ी होती है, E इज ग्रेटर देन V व्हेन सेल इज ओपन सर्किट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसका कहीं लॉस नहीं हो रहा था, जैसे आपने इसको क्लोज सर्किट में कनेक्ट किया तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज जो है वो E से कम होगा, बिकॉज कुछ लॉस यहाँ पे भी होगा, कुछ वोल्टेज का लॉस यहाँ पे भी होगा, तो जो ईएमएफ है E की वैल्यू वो V प्लस इस लॉस के इक्वल होनी चाहिए। पहली सिचुएशन में जब सेल ओपन सर्किट था, पहली सिचुएशन में जब आपका सेल ओपन सर्किट था, ध्यान से देख बेटा, तो उस समय मैंने बोला इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, ईएमएफ ऑफ सेल, जिसको हम E से डिनोट करते हैं। When circuit is closed circuit, जब हम सर्किट को क्लोज सर्किट देखते हैं, सेल को क्लोज सर्किट करते हैं, तो इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल इलेक्ट्रोलाइट में भी होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इन दोनों का टोटल जो है वो E के इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं E माइनस V इक्वल टू I इनटू स्मॉलर, E माइनस V इक्वल टू IR, ध्यान से देखो E क्या था, व्हेन सर्किट ओपन सर्किट था, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट सेल ओपन सर्किट था तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो E था, जैसे आपने इसको क्लोज सर्किट में देखा तो टर्मिनल वोल्टेज V और कुछ लॉस यहां पे हुआ, तो E माइनस V जो डिफरेंस है E और V का वो इस वाले लॉस के इक्वल होगा, यहां पे जो लॉस हो रहा है इसमें से करंट कितनी जा रही है I, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना माना हुआ R, तो वो IR के इक्वल होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे V फाइंड आउट करना है, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला का V इक्वल्स टू इसको इधर लेके आया था इधर E माइनस I इनटू R, ये फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज का होता है, इक्वेशन नंबर 1 काम आएगा बाद में, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा E माइनस IR, जैसे हम सर्किट को क्लोज करेंगे करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो टर्मिनल वोल्टेज अपने को पता करना हो तो टोटल ईएमएफ माइनस जो हमारा यहाँ लॉस हुआ वो आपका टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, क्लियर है, जब सेल चार्ज हो।
अगर मैं यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसी इक्वेशन से स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, i को अपॉन में लेंगे, e माइनस v अपॉन i, यही होगा। और ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से i की वैल्यू पूछूं, रेजिस्टेंस कैपिटल r, पोटेंशियल डिफरेंस v, तो i इक्वल्स टू v बाय r, सिंस i इक्वल्स टू इसी सर्किट से हम लिख रहे हैं v बाय r, यहां पे वैल्यू पुट कर लो, स्मॉल r इक्वल्स टू e माइनस v अपॉन v बाय कैपिटल r, कैपिटल r ऊपर चला गया। This is the internal resistance. This is the formula of internal resistance of cell. Small r equals to E minus V upon V into capital R. E क्या है? EMF of cell. V क्या है? Terminal voltage. R external circuit का resistance. Equation number 2. इसमें कोई doubt? नहीं होना चाहिए। हमने internal resistance of cell find out कर लिया। हमने terminal voltage की value पता कर ली। और क्या पता कर सकते हैं? यहाँ से current पता करनी है। Suppose कितनी current flow हो रही है circuit में? वो हमें फाइंड आउट करनी हो तो आप इसी इक्वेशन से देख लो या इसी इक्वेशन से देख लो, e माइनस v अपॉन स्मॉल r फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, i की वैल्यू क्या होगी, यहां से i की वैल्यू बताओ, i इक्वल्स टू e माइनस v अपॉन स्मॉल r, e माइनस v अपॉन स्मॉल r। और अगर हम v की जगह i r रखना चाहें, हां देखो थोड़ा सा चेंज होगा, v की जगह पहले i r रख लो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, इजी सॉल्व हो जाएगा। सिंस v इक्वल्स टू i r है अपने पास, v इक्वल्स टू क्या है, i r, तो आप देखो यहां पुट करो, i इनटू कैपिटल r इक्वल्स टू e माइनस i इनटू स्मॉल r, इसको आप इधर ले आओ, i कॉमन आ जाएगा, r प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू e, देन i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, e अपॉन r प्लस स्मॉल r, i इक्वल्स टू e अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R, बहुत इजी है। E क्या था, EMF ऑफ सेल, कैपिटल R एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस, स्मॉल R रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, I की वैल्यू याद है, I इक्वल टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R, ये आपके पास वैल्यू फाइंड आउट हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखो सेल के लिए क्या-क्या फाइंड आउट कर लिया, सेल के लिए हमने सारे डेफिनेशंस लिखी, सेल की डेफिनेशन लिखी, EMF ऑफ सेल पढ़ लिया, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गया। अब हमने देखो ये सब फाइंड आउट कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इतना होता है, टर्मिनल वोल्टेज इतना होता है, करंट की बात करें कि सर्किट में करंट कितनी होगी जब क्लोज सर्किट होगा, तो E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये उस सिचुएशन में फाइंड आउट करी सारी वैल्यूज, व्हेन सेल इज चार्ज, जब सेल आपका चार्ज था। अब अगली सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब सेल आपका डिस्चार्ज है, स्पेशल केस है, जब आपका सेल क्या हो बेटा, डिस्चार्ज, और उसको आपको चार्ज करना होगा। कई बार सेल को चार्ज करते हो ना, तो सेल को चार्ज करना होता है तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए उसके ईएमएफ से, एक स्पेशल केस है ये, तो सारा उस सिचुएशन में था जब सेल चार्ज था। अब व्हेन सेल इज डिस्चार्ज, व्हेन सेल इज डिस्चार्ज, और हम उसको चार्ज करें, हम उसको क्या करना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, मुझे पता है अच्छे से कि जब सेल डिस्चार्ज होगा तो उसका E जो है वो लेस देन होगा कैपिटल V, कैपिटल V अप्लाइड पोटेंशियल, कि चार्ज करेंगे तो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे सेल के ऊपर, तो ये जो वैल्यू है सेल का ईएमएफ है वो V से छोटा हो जाएगा, इस सिचुएशन में V E से बड़ा होगा, तो V माइनस E जो है वो किसके इक्वल होगा, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस हो रहा है, तो यहां से अगर मैं V पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, E प्लस I इनटू R, आपको यही फार्मूला दिमाग में रखना है, आपको ये फार्मूला दिमाग में रखना है कि जब सेल डिस्चार्ज होता है तो फार्मूला होता है V, टर्मिनल वोल्टेज का V इक्वल्स E प्लस IR, और जब सेल चार्ज होता है तो E माइनस IR, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो हमने सेल का बेसिक कांसेप्ट सीख लिया कि सेल के अंदर क्या-क्या हम पढ़ते हैं, वो बेसिक सारा सीख लिया। सेल का जो सिंबल होता है, सेल का जो सिंबल होता है वो आपने देखा होगा बेटा, पहले भी पढ़ा होगा, सेल का सिंबल ऐसे लिखते हैं, प्लस माइनस, 10th क्लास में पढ़ते हैं हमने, सेल का ईएमएफ E हो और प्लस वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, माइनस वाला नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, करंट ऑलवेज, करंट हमेशा प्लस टर्मिनल से बाहर निकलती है और माइनस में एंटर होती है जब हम उसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं। और अगर मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना हो साथ में, तो हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐसे दिखा देते हैं स्मॉल r से, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है, स्मॉल r उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और E उसका ईएमएफ, प्लस माइनस टर्मिनल अपने को पता है, ये तो हो गया सेल का सिंबल। आपने बैटरी का सिंबल भी कई बार बनाया होगा या बनाओगे आप, बैटरी, बैटरी में क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, तो बैटरी का जो सिंबल है बेटा वो ऐसे बनाते हैं, ये प्लस टर्मिनल, बीच में फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरह से अपन लेते हैं।
ठीक है, तो उसमें ऐसे हम ज्यादा दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये बैटरी का सिंबल हो जाता है। ये किसका सिंबल है? बैटरी का। ठीक है, और भी दिखा सकते हैं इसमें, तो ये प्लस माइनस बैटरी का EMF E, हम बैटरी का सिंबल ऐसे दिखाते हैं। सेल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, बैटरी में दो से ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि बैटरी में बहुत सारे सेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया बैटरी और सेल का सिंबल। अब हम पढ़ेंगे बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे आपने देखो दो कॉम्बिनेशन तो पहले कर लिए, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देख लिया और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन भी कर लिया सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ज्यादातर में हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते थे, जैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसे हम सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे जब वो सीरीज और पैरेलल कंबाइंड हो। आज हम पढ़ रहे हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पहले हम पढ़ रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो बेटा इजी है, जैसे हमने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए पढ़े थे वैसे इसमें देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपका टॉपिक है, जिसमें पहला आपका आया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दो सेल ले लेते हैं जिनके ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2। When two cell of EMF E1, E2 and internal resistances are small R1 and small R2 connected by an external circuit, of resistance capital R in series combination। देखो ये लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी होता है, डायरेक्ट नहीं बनाओगे सर्किट। जब भी आप लैंग्वेज सर्किट बनाओगे उसकी लैंग्वेज लिखो कि क्या कर रहे हो उसके अंदर। आपके पास दो सेल जिनके ईएमएफ E1 E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, दोनों को सीरीज कंबाइन करना है बाय एन एक्सटर्नल सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल। देखो सिंपल, जैसे मैंने पहले सेल की बात करी, दो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ईएमएफ E1, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये हो गया फर्स्ट सेल। इसको मैं AB से डिनोट करूं, AB के बीच में कनेक्ट किया हमने, ठीक है। दूसरा जो सेल है उसका ईएमएफ E2 प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसको हमने BC के बीच में कनेक्ट कर दिया, दोनों सीरीज कंबाइंड है, कैस्केड फॉर्म है। इसको हम एक एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल R से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कैपिटल R से, जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है, एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R, उससे कनेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई जब आप इसको कैपिटल R से कनेक्ट कर रहे हो तो इसमें से करंट प्लस से करंट निकले कि दोनों सेल से आई करंट निकले सपोज, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज जो है वो भी होगा। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा? V। ध्यान से देखो, AB जो सेल है इसका टर्मिनल वोल्टेज मैंने V1 मान लिया, और जो BC सेल जो B और C के बीच में कनेक्ट किया उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या मान लेते हैं? सपोज वो V2 है, और करंट जो है वो पूरे सर्किट में सीरीज है, सीरीज में करंट सेम है, I फ्लो कर रही है। करंट कितनी फ्लो कर रही है? I। इसमें I करंट फ्लो कर रही है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, जैसे इसको क्लोज सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो प्लस से निकलेगी। सपोज करंट ऐसे फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका सर्किट बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। पहला सेल जिसका ईएमएफ E1 रेजिस्टेंस R1, दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस R2, दोनों को एक एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दिया, इसके टर्मिनल वोल्टेज V है, और ये V जो है वो दो वोल्टेज में डिवाइड होगा V1 एंड V2। मैं आपसे पूछूं, अभी आपने लॉजिक सीखा था, V1 टर्मिनल वोल्टेज, V1 मतलब फर्स्ट सेल के बीच टर्मिनल वोल्टेज, फर्स्ट सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो वैल्यू कितनी होगी? फॉर सेल E1, फर्स्ट सेल जो E1 है उसके लिए टर्मिनल वोल्टेज की बात करें, टर्मिनल वोल्टेज
V1 equals to E1 minus I into R1, equation number 1, बढ़ाओ, आपने फॉर्मूला सीखा था, V equals to E minus IR, जब सेल चार्ज था, और हम चार्ज सेल ही लेते हैं यहाँ पे, तो V1 क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस सेल फर्स्ट, E1 के लिए, V1 equals to E1 minus इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप IR1, वो माइनस कर दूँ, for cell E2, टर्मिनल वोल्टेज V2 equals to E2 minus IR2, equation number. ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V2 कंसीडर किया, इसका IR कितना E2, यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा IR2, माइनस कर दिया. अब मुझे पता है कि V1 plus V2 जो है वो V के इक्वल होगा. V1 plus V2 जो है वो किसके इक्वल होगा? We know that सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज डिफरेंट थे, अब दोनों का टोटल V के इक्वल होना चाहिए. V equals to V1 plus V2 ऐड कर लो, वैल्यू पुट कर लो, then V equals to V1 की वैल्यू है आपके पास E1 minus IR1 plus E2 minus IR2, V2 की वैल्यू पुट कर दी. थोड़ा और सिंपलीफाई करोगे, E1 plus E2 इन दोनों में से I कॉमन लेके माइनस का I R1 plus R2, इक्वेशन नंबर 3. और अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट सोचें. इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो वो क्या होगा? इक्विवेलेंट सर्किट में आप दोनों सेल के कंबाइन करके एक सेल ले लोगे, दोनों इंटरनल रेजिस्टेंस को एक इंटरनल रेजिस्टेंस और फिर एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करोगे. तो मैं इधर आप इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं और फिर उससे हम कंपैरिजन करेंगे, उससे हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल के इक्वेशन नंबर 3 का हम कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट देखो. इक्विवेलेंट सर्किट ध्यान से देखो, दो सेल आपने कनेक्ट किए थे सीरीज में, दोनों का कंबाइंड कर दिया. कंबाइंड करने के बाद दोनों का जो ईएमएफ है, इक्विवेलेंट ईएमएफ, ई इक्विवेलेंट होगा, और दोनों को कंबाइंड करने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट लिख दूं, और फिर उसको मैं एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल आर से कनेक्ट कर दूं, जिसका टर्मिनल वोल्टेज भी वी, यहां पे तो यहां पे भी वी होगा. और अगर मैं आपसे पूछूं बताओ वी कितना होगा, तो आप लिखोगे वी इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, माइनस आई, क्योंकि इससे करंट आई इसमें फ्लो करेगी, आई ऐसे. V टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 4. अब थर्ड और फोर्थ का कंपैरिजन कर लो यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. कंपैरिजन करो लेफ्ट हैंड साइड भी, राइट हैंड साइड देखो, E इक्विवेलेंट की जगह यहां लिखा हुआ E1 plus E2, फिर माइनस I, फिर इसमें भी माइनस I, R इक्विवेलेंट की जगह लिखा हुआ R1 plus R2. यही आंसर है आपका, E इक्विवेलेंट आ गया आपका E1 plus E2 और R इक्विवेलेंट आपका आ गया R1 plus R2. मुझे यही फाइंड आउट करना था, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था और इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना था व्हेन टू सेल्स आर कंबाइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ऐड हो गए ईएमएफ, क्या हो गए? ऐड हो गए. वो उस सिचुएशन में ऐड हुए जब दोनों सेल सेम ऑर्डर में थे, दोनों के प्लस एक ही तरफ थे. ठीक है, अगर ऑपोजिट ऑर्डर होता है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो है या तो E1 minus E2 होगा, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर लेंगे, या फिर ये जो है वो E2 minus E1 होगा, रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा. अगर सेल ऑपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ या तो E1 minus E2 आएगा या फिर E2 minus E1 आएगा. ठीक है ना, बट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो एड ही होगा, रेजिस्टेंस जो है वो आपका एड ही होगा. अब इसमें स्पेशल केस देखो कि मैं दो से ज्यादा सेल कनेक्ट करूं, n सेल कनेक्ट करूं जिनके ईएमएफ E1 E2 अप टू EN है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 plus E2 plus E3 अप टू EN, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 अप टू RN है, तो R1 plus R2 plus RN. ठीक है, हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं. हम करंट फाइंड आउट करना चाहे तो हम करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो बेटा, स्पेशल केस ही है वो आपका, जनरल बात पूछ रहे हैं हमसे कि मान लो n सेल कनेक्ट है, सपोज n सेल कनेक्ट आर इन सीरीज, n सेल ऑफ ईएमएफ E1, E2, E3 up to EN and internal resistance R1, R2 up to RN are connected
इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कितना होगा, फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग चलेंगे अपन, e1 plus e2 plus e3 up to en. आपसे पूछे r इक्विवेलेंट बोलो, तो r इक्विवेलेंट बोलोगे r1 plus r2 plus r3 up to rn. अगर मैं बोलूं कि कंडीशन ये है e1 सेकंड कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन मैंने बोली बताओ e1 equals to e2 equals to e3 up to en equals to e, सारे सेल का emf इक्वल है और रेजिस्टेंस भी इक्वल है, r1 equals to r2 equals to r3 up to rn equals to r. बोलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट emf कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट emf देखो, E equivalent आपसे पूछो तो क्या लिखोगे, E plus कितने times, N times, क्या आ जाएगी value, NE, करा हुआ है सब, equivalent आ गया NE, आपसे पूछा जाए R equivalent तो बोलोगे RN या NR, कोई tension नहीं है, बहुत easy है, इस तरह से हम find out कर लेते हैं. अगर मैं circuit में current की बात करूँ तो current क्या लिखूँगा, I equals to E equivalent upon capital R plus small r equivalent. ये formula derive किया था हमने starting में लिखा था I equals to E equivalent upon R plus small r equivalent. E upon capital R plus small r लिखा. हम चाहें तो इस situation में ये value put करके और I find out कर सकते हैं. इस situation में अगर आपसे current पूछे, EMF भी same हो, N cell series connect हो, इनके internal resistance भी सारे same हो, इस केस में R होगा E equivalent upon NE upon capital R plus small n. इस तरह से हम ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. तो आज हमने बेटा सेल के बारे में काफी डिस्कस कर लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल भी हमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और चैप्टर फिनिश करेंगे. थैंक यू.